हमास एक उग्रवादी आंदोलन है। बीते दिनों हमास नामक इस संगठन ने इजराइल के यरूशलेम की तरफ कई सारे रॉकेट लॉन्च किए, जिसमें अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है ये हमास, क्या है इसका इतिहास तथा किसने किया था इसका गठन? हमास एक उग्रवादी आंदोलन है जो फलस्तीनी क्षेत्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। यह गाजा पट्टी में लगभग 20 लाख से अधिक फलस्तीनियों पर शासन करता है, लेकिन यह समूह इजराइल के प्रति अपने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। कई देशों ने जहां इसे आतंकवादी संगठन माना है, तो वहीं कुछ देश इसका समर्थन करते आए हैं और इसको फंडिंग उपलब्ध कराते रहे हैं। यदि बात की जाए इजराइल के मैप की और उसकी वर्तमान भौगोलिक अवस्थिति की, तो 1967 में हुए युद्ध के बाद धीरे धीरे इजराइल ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाता रहा है, जिसमें फलस्तीन, जिसे वेस्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तथा गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। लेकिन गाजा पट्टी का और वेस्ट बैंक का अभी भी कुछ क्षेत्र फलस्तीनियों के हाथ में है, और दोनों में यरूशलेम की राजधानी और मस्जिदुल अक्सा यानी अक्सा मस्जिद को लेकर के विवाद बना हुआ है। दोनों के लिए यह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां यहूदी धर्म के लिए यह एक तीर्थ की तरह है, वहीं इस्लाम धर्म मानने वाले सुन्नी फलस्तीनियों के लिए भी मस्जिदुल अक्सा का अपना महत्व है। ऐसे में इस क्षेत्रीय विवाद के साथ साथ यह एक धार्मिक विवाद भी बन जाता है। यदि बात की जाए इसके गठन की, तो इसका गठन फलस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने किया था। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमास कहा जाता है। हमास ने जो इजराइल पर बीते दिनों हमले किए, उसके प्रतिरोध में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने युद्ध की घोषणा की है। भारत समेत इजराइल के नागरिकों के लिए विभिन्न देशों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। जीएस पढ़ने वाले और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इजराइल का मैप तैयार करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इजराइल के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो इजराइल भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित एक देश है, यानी यह लैंडलॉक देश नहीं है। बीते दिनों इसकी राजधानी तेल अबीब कर दी गई। इसके किनारे बसे देशों की बात करें, तो इजिप्ट, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया तथा लेबनान प्रमुख रूप से इसके पड़ोसी देश हैं। वहीं सीरिया से अधिग्रहित की गई गोलन हाइट प्रमुख रूप से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। वहीं गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से मिलती है। गाजा पट्टी में रहने वाले यह लड़ाके लगातार इजराइल के साथ अपने प्रतिशोध को जताते रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।